डिस्कशन है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शौकत मिर्जियोयेव को अक्टूबर 2021 में उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, नजीब मिकाती को लेबनान का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। किस देश का? लेबनान का। लेबनान की अगर हम कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आए दिन न्यूज में रहती है, बेरत। स्टीफन लोफेन को स्वीडन का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। स्वीडन कहाँ पर है? ये नॉर्दर्न यूरोप में है। स्वीडन की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। ये भी कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है। आर के सबरवाल को मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम क्या है? इस अवार्ड का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। फिर से बोलता हूँ, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया था। मंगोलिया की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? उलान बातार। ये कैपिटल है मंगोलिया की। अब बात हुई है उज्बेकिस्तान की, तो आप लोकेशन देखिए, ये है उज्बेकिस्तान, ये देखिए आप, ये ताशकेंत, ये इसकी कैपिटल है और ताशकेंत ही लार्जेस्ट सिटी भी है। उज्बेक सोम करेंसी है। शौकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति हैं और अब्दुल्ला अरिपोव ये प्रधानमंत्री हैं उज्बेकिस्तान के। सेकंड क्वेश्चन, मुल्ला पेरियर बांध खबरों में है, यह किस राज्य में है? देखो अभी हुआ क्या, अभी देखो ये जो बांध है ना, ये जो डैम है, वैसे तो ये काफी पुराना है। इसका निर्माण 1895 में किया गया था। कब? 1895 में, पेरियर नदी के ऊपर। अब इसी डैम को, काफी पुराना है तो इसी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको दोबारा से अच्छे तरीके से तैयार किया जा सके। ये काफी पुराना है, मतलब काफी पुराना हो चुका है, तो इसी के चलते अभी ये न्यूज में है। ये कहाँ पर है? ये केरला के इदुक्की जिले में है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, केरला। केरला के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने हर हित स्टोर योजना इसको स्टार्ट किया। अब केरल के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू हुआ। केरल राज्य ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, खबरों में रहा मानियर बांध, ये भी केरल राज्य में है। 20 अक्टूबर 2021 को केरल उच्च न्यायालय ने 4 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली केरल उच्च न्यायालय में। एक दो पॉइंट और याद रखेगा आप केरल से ही संबंधित। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने वन आईएएस स्कीम इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्नैकपीडिया ऐप इसको भी स्टार्ट किया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं केरला से संबंधित। अब केरला की लोकेशन देखिए आप, ये है केरला की लोकेशन, ये देखिए। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्यों के साथ केरल की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक डिटेल है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं। और देखो केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। लेक की बात करते हैं, अस्तमुड़ी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरावर लेक, चारों लेक केरल में स्थित हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरल में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरल और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। थर्ड क्वेश्चन, रोहताए वू का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। जापान की अगर हम कैपिटल की बात करें, जापान की कैपिटल इंपोर्टेंट है, अभी टोक्यो ओलंपिक भी हुए थे। मंगोलिया की कैपिटल अभी हमने कवर की पहले क्वेश्चन में, उलान बातार इसकी कैपिटल है। रशिया की कैपिटल की बात करें तो मॉस्को,
ये रशिया की कैपिटल है। अब बात हुई है साउथ कोरिया की, तो लोकेशन देखिए आप, देखो यह है साउथ कोरिया, ये इसकी कैपिटल है सियोल और यह इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। कोरियन रिपब्लिक वॉन ये करेंसी है साउथ कोरिया की। अब आपको ना कमेंट बॉक्स में नॉर्थ कोरिया की कैपिटल बतानी है, ये आपको खुद ही बतानी है कमेंट बॉक्स में। फोर्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को देश के मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्किम की लोकेशन हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसको डेवलप करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना स्टार्ट की। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। अब सिक्किम की लोकेशन देखिए आप, ये है सिक्किम की लोकेशन, ये कैपिटल है इसकी। देखो इसकी बाउंड्री भारत के सिर्फ एकमात्र राज्य है वेस्ट बंगाल इसके साथ लगती है, बाकी तीन साइड से ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, नेपाल, चाइना और इधर भूटान के साथ, इन तीन देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है सिक्किम। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। गंगटोक कैपिटल है, प्रेम सिंह तमंग मुख्यमंत्री हैं, गंगा प्रसाद राज्यपाल हैं, 6 जिले हैं, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट, विधानसभा की 32 सीटें हैं। गंगटोक में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादर। तो ये थी सिक्किम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों में कोविड के खिलाफ होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 के वितरण का शुभारंभ किया? तो केरला जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और केरला के बारे में इसी डिस्कशन के सेकंड क्वेश्चन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, खबरों में रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में मतलब कलकत्ता है ना, वहीं पर है ये पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। निःसशक्तिकरण सप्ताह प्रतिवर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निःसशक्तिकरण आयोग UNDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंग्लिश में बोलते हैं डिसआर्ममेंट वीक, तो ये हुआ था 1952 में। सेवंथ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 1952। एट्थ क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड निम्नलिखित में से किस शहर ने जीता है? तो ये जीता है कोची ने। एट्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, कोची, और कोची कहां पर है? कोची है केरला के अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन, राइटिंग फॉर माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नाइन्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखो एक फैक्ट और मतलब एक इंफॉर्मेशन और जान लीजिए। ये जो बुक यहाँ पे लिखी हुई है ना, होम इन द वर्ल्ड, ये अभी रिसेंटली UPPCS 2021 का एग्जाम हुआ है वहां पे इस क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा पूछ भी लिया गया है, तो ये बुक और सामने ऑथर लिखे हुए हैं। 10th क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2021 को किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद संक्रमणकालीन सरकार को भंग कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूडान। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, सूडान। अब इन चारों देशों की हम कैपिटल जान लेते हैं। केन्या की कैपिटल, केन्या की कैपिटल है नायरोबी, नायरोबी केन्या की कैपिटल है। युगांडा की कैपिटल क्या है? युगांडा की कैपिटल है कंपाला। सोमालिया, इसकी कैपिटल क्या है? मोगादिशु, मोगादिशु ये सोमालिया की कैपिटल है। सूडान की अगर हम कैपिटल की बात करें तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो ये चारों देशों की हमने कैपिटल भी साथ कवर कर ली है। अभी कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, राष्ट्रीय फिल्म राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का निर्णय कर लिया है? मतलब अयोध्या रेलवे स्टेशन नाम रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश सही आंसर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने 24 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 60 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2021 जीता? इंडोनेशिया सही आंसर है। खबरों में रहा